अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक ऐसे सिम्टम के ऊपर बात कर रही हूँ जो आजकल हर बंदा महसूस कर रहा है, जो है सुस्ती और थकावट। दिल नहीं करता उठने का, काम पे जाते हैं तो काम करने का दिल नहीं करता, बेड से उठने का दिल नहीं करता और हर वक्त थकावट रहती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद हेल्दी खाना भी खा रहे हों, लेकिन फिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे आप लोगों को इसके सिम्टम्स और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं, आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड डू शेयर। जी, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये होता क्यों है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सुस्ती और थकावट या लेथार्जी फील होती है। कुछ सिम्टम्स होते हैं इसके, जैसे कि आपको सर दुखना शुरू हो जाएगा, पट्टे दर्द होना शुरू हो जाएंगे, कोई काम नहीं भी करे लेकिन खलियां वगैरह पड़ रही हैं, इरिटेशन बहुत कॉमन है, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, किसी से बात करने का दिल नहीं करेगा, मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? द फर्स्ट रीज़न इज़ कि कोई ना कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है जो आप लोगों को ना पता हो। जैसे कि अगर आपको कोई हार्मोन, एक थायरॉयड हार्मोन है, वो आपका बेसिकली मेटाबॉलिज्म देखता है, अगर आपको उसकी कमी है जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो उसके अंदर आपको सुस्ती या लेथार्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है जो आपकी थकावट का शिकार आपको बना सकती है, वो है स्लीप डिप्रिवेशन, जिसको हम कहते हैं नींद का सही तरीके से ना आना। हमेशा बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी तो नींद 8 या 10 घंटे, लेकिन फिर भी हम थकावट का शिकार होते हैं। उसका आंसर मैं हमेशा पेशेंट को ये देती हूँ कि आपकी क्वालिटी मैटर करती है, ना कि जो आपकी मकदार है नींद की। मकदार 10 घंटे भी हो, लेकिन अगर आप उठ रहे हैं फिर सो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका दिमाग चल रहा है नींद के अंदर, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। सो डीप स्लीप और साउंड स्लीप इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जो दूसरी रीज़न हो सकती है जो बहुत कॉमन है आजकल, वो स्ट्रेस है, स्पेशली वर्क प्लेस स्ट्रेस। अगर आपको वर्क प्लेस स्ट्रेस है तो उसकी वजह से आपको थकावट और इरिटेशन हर वक्त रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न आपकी थकावट का हो सकता है, आप फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आपकी पूरी रूटीन में शामिल ही नहीं है चलना फिरना। और इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से आपको थकावट हो सकती है। सबसे कॉमन डेफिशिएंसी जिसकी वजह से लोगों को थकावट और सुस्ती होती है, वो आयरन डेफिशिएंसी है। आपकी बॉडी के अंदर अगर आयरन की किल्लत हो जाए, विटामिन डी की किल्लत है, फॉलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, उसकी किल्लत हो जाए तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। विटामिन डी, इसीलिए हम कहते हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आपको करनी चाहिए और आपको आयरन रिच चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक आखिरी चीज़ जो मैं हमेशा हर पेशेंट को बोलती हूँ कि अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखें। अगर आपके अंदर पानी की किल्लत है तो उसकी वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं, आपके पट्ठों में दर्द हो सकती है, आपको इरिटेशन, सुस्ती, लेथार्जी, उकताहट, हर चीज़। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ कि आप अपने ब्लड टेस्ट कराएँ। जब तक आप अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे, आपको डायग्नोसिस नहीं पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या और ये क्यों हो रहा है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे नरिश्ड।